अस्सलामु अलैकुम वन क्लास, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस इन ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल। आई एम योर मैथ टीचर। दिस इज़ माई सेकेंड लेक्चर। दिस इज़ द बुक ऑफ मैथ। प्लीज़ वन क्लास, ओपन द पेज नंबर 56। आर टॉपिक इज एडिशन। एडिशन ऐड करना यानी के जमा करना। वन क्लास, इसके लिए ये वाला साइन यूज होता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में ये वाला साइन नजर आए तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन को ऐड करना है। ये देखें, ऐड हॉरिजेंटली एंड द वर्टिकली। हॉरिजेंटली होता है कि जैसे ये वाले जो डिजिट हैं आमने सामने राइट किए हैं और हमने इनको ऐड करना है, और वर्टिकली में होता है डिजिट ऊपर नीचे राइट किए होते हैं और हमने इनको ऐड करना होता है। चलिए वन क्लास, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं। ये देखें, 16+3, इसमें प्लस का साइन है और हमने इस क्वेश्चन को ऐड करना है। 16+3 में हमने 3 को ऐड करना है। इधर हम लगाएंगे 3 लाइंस, 1, 2, 3, और अब हम इनको काउंट करते हैं। 16, 17, 18, 19। 16+3 करने से हमारा आंसर आया 19। आगे है 3+16। अब हम 16 में 3 को ऐड करेंगे। इधर हम लगाएंगे 3 लाइंस, 1, 2, 3, और अब इनको काउंट करते हैं। 16, 17, 18, 19। 3+16 करने से हमारा आंसर आया 19। वन क्लास देखें, 16+3 करने से हमारा आंसर 19 आया। 3+16 करने से भी हमारा आंसर 19 आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3+5। इधर हम लगाएंगे 3 लाइंस, 1, 2, 3, और अब इधर लगाएंगे 5 लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इनको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3+5 करने से हमारा आंसर आया 8। नेक्स्ट है 5+3। इधर हम लगाएंगे 5 लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5। इधर हम लगाएंगे 3 लाइंस, 1, 2, 3। अब हम इनको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 5+3 करने से हमारा आंसर आया 8। 3+5 करने से हमारा आंसर 8 आया, और 5+3 करने से भी हमारा आंसर 8 आया। वन क्लास, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11+5। हमने 11 में 5 को ऐड करना है। इधर हम लगाएंगे 5 लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इनको काउंट कर लेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 11+5 करने से हमारा आंसर आया 16। और इधर है 5+11। हम 11 में 5 को ऐड करेंगे। इधर लगाएंगे 5 लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इनको काउंट कर लेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 5+11 करने से हमारा आंसर आया 16। देखिए स्टूडेंट्स, 11+5 करने से हमारा आंसर 16 आया, और 5+11 करने से भी हमारा आंसर 16 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1+18। अब हम 18 में 1 को ऐड करेंगे, 18, 19। 1+18 करने से हमारा आंसर आया 19। नेक्स्ट है 18+1। 18 में हम 1 को ऐड करेंगे, 18, 19। 18+1 करने से हमारा आंसर आया 19। देखें, 1+18 करने से हमारा आंसर 19 आया, और 18+1 करने से हमारा आंसर 19 आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4+3, यानी कि हमने 4 में 3 को ऐड करना है। इधर हम लगाएंगे 4 लाइंस, 1, 2, 3, 4, प्लस 3। इधर लगाएंगे 3 लाइंस, 1, 2, 3। अब हम इनको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4+3 करने से हमारा आंसर आया 7। इधर है 3+4। इधर हम लगाएंगे 3 लाइंस, 1, 2, 3, प्लस 4। इधर लगाएंगे हम 4 लाइंस, 1, 2, 3, 4। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3+4 करने से हमारा आंसर आया 7। ये देखिए, इधर 4+3 करने से हमारा आंसर आया 7, और 3+4 करने से भी हमारा आंसर आया 7।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्टिकली में करते हैं। ये है 16+3। 16+3 में हम 6 के इधर लगाएंगे 6 लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर लगाएंगे 3 लाइंस, 1, 2, 3। अब हम इनको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये जो 1 है वैसे ही आ जाएगा नीचे क्योंकि इसके कोई डिजिट नहीं है। 16+3 करने से हमारा आंसर आया 19। इधर है 3+16, इधर हम लगाएंगे 3 लाइंस 1, 2, 3। और ये है 6, इधर लगाएंगे हम 6 लाइंस 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये 1 वैसे नीचे आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है। 3+16 करने से हमारा आंसर आया 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3+5, यानी कि 3 में हमने 5 को ऐड करना है। इधर लगाएंगे हम 3 लाइंस 1, 2, 3, इधर लगाएंगे 5 लाइंस 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3+5 करने से हमारा आंसर आया 8। और इधर है 5+3, 5 में हमने 3 को ऐड करना है। इधर लगाएंगे 5 लाइंस 1, 2, 3, 4, 5, इधर लगाएंगे हम 3 लाइंस 1, 2, 3। अब हम इनको ऐड कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 5+3 करने से हमारा आंसर आया 8। 3+5 करने से भी हमारा आंसर 8 आया और 5+3 करने से भी हमारा आंसर 8 आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11+5। इधर है 1, इधर लगेगी 1 लाइन, 5 इधर लगेंगी 5 लाइंस 1, 2, 3, 4, 5। अब इनको हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर आएगा 6, ये 1 वैसे नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है। 11+5 करने से हमारा आंसर आया 16। नेक्स्ट है 5+11। इधर है 5, 5 लाइंस लगेंगी 1, 2, 3, 4, 5। इधर 1 है, 1 लाइन लगेगी। अब हम इनको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 1 वैसे नीचे आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है उसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है, वैसे ये 1 नीचे आ जाएगा। 5+11 करने से हमारा आंसर आया 16 और 11+5 करने से भी हमारा आंसर आया 16। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1+18। 1 और 18 को हमने ऐड करना है। इधर है 1, इधर लगेगी 1 लाइन, इधर है 8, इधर लगेंगी 8 लाइंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम इनको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर आएगा 9 और ये 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई डिजिट नहीं है। 1+18 करने से हमारा आंसर आया 19। नेक्स्ट है 18+1। इधर है 8, लगेंगी 8 लाइंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर है 1 लाइन लगेगी। अब हम इनको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यह 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है। 18+1 करने से हमारा आंसर आया 19। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4+3। 4 और 3 को हमने ऐड करना है, यानी इधर लगेंगे 4 लाइंस 1, 2, 3, 4, इधर लगेंगे 3 लाइंस 1, 2, 3। अब इनको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4+3 करने से हमारा आंसर आया 7। नेक्स्ट है 3+4। ये देखिए इधर 3 है, 3 लाइंस लगेंगी 1, 2, 3। इधर 4 लाइंस लगेंगी 1, 2, 3, 4। इनको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3+4 करने से हमारा आंसर आया 7। ये देखें 1+4+3 करने से हमारा आंसर 7 आया और 3+4 करने से हमारा आंसर 7 आया। वन क्लास, आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।